कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर मंदिर में आने के लिए, लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पर भाई। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। तो हुंडई ने $2000 का ऑलमोस्ट खर्चा दिखाया था, पता क्या हुआ? वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाय कैन चैनल दिस इज तुषार जैसा सबको भाई हैप्पी महाशिवरात्रि। हेलो वानी। हेलो नोनू। हेलो। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं भाई भोले बाबा के मंदिर, भोले बाबा की शरणों में, शिवा टेंपल। ठीक है, मेलबर्न में है, घर से करीबन 45 मिनट्स की ड्राइव थी, बहुत दूर भाई। भोले बाबा सबके भाई मनोकामना पूरी करें, सबकी रक्षा करें और जिन जिन के जो भी सपने हैं भाई सारे पूरे हों। बहुत ज्यादा जाम है भाई यहाँ पे, हद से ज्यादा। देखो भाई कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं, ये शायद से रेस्टोरेंट ग्रोसरी है एक सामने। और कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर मंदिर में आने के लिए, लोग बहुत ज्यादा है यहाँ पर। BMW खड़ी किसी की GS बाइक मस्त है भाई, बाइक पे आ जाओ कहीं भी पार्क कर दो। गाड़ियां भी सारी गलत खड़ी हैं, बट ठीक है भाई। हम लोग जब दिवाली पे आए थे मेरा पॉइंट काट के बोला था हैप्पी दिवाली। ये है भाई मंदिर, अभी अंदर देखेंगे कैसा सीन है। बहुत ज्यादा बड़ा ट्रैफिक है भाई। यहाँ पर भाई हॉल है अंदर शादी का शायद। हाँ शादियाँ होती हैं वहाँ पे। यहाँ पर भाई खाने की जगह है, यहाँ पर भीड़ देखो कितनी है, लाइन वहाँ ऑर्डर देने के लिए वहाँ बाहर तक लाइन है भाई बिल्कुल। भाई ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। भाई यहाँ पर शूज उतारने का है, यहाँ पर शूज उतार सकते हैं और बाहर लोगों ने बाहर भी उतारे हुए हैं क्योंकि अंदर भर गया। फाइनली भाई मंदिर के अंदर जा रहे हैं हम लोग। भाई अभी हम लोग इंडियन ग्रोसरी में आ गए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सारा सामान लगा हुआ है भाई। ग्रोसरी की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो जो मेरे लोग मेरे चैनल पर नए हैं एक को पहले सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन होगा और ग्रोसरी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो, ये सारा यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखो ये क्या है पता नहीं, चलो ये वो है स्टैंडिंग मसाले। ये देखो भाई कितने चावल लगे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई ब्लैक हलवा, ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में, काला हलवा। भाई मैं बोलता हूँ कुकर इंडिया से ले आओ, देखो $82 का इतना सा ही है मेंबरशिप। ये देखो मैम, और हाँ स्टोर की भी मेंबरशिप है। और ये देखो सारे कुकर लगे हुए हैं यहाँ, मिल सब कुछ जाता है बट इंडिया में सस्ता मिल जाएगा। ये इडली बनाने का सामान, फाइनली हम लोग घर आ गए थे एंड काफी ज्यादा अच्छी वाइब्स। तो भाई फाइनली हम लोग घर आ गए थे एंड काफी ज्यादा अच्छी वाइब्स भाई, इतनी ज्यादा अच्छी कि जैसे जब हम लोग अंदर थे ना मंदिर, सबसे पहले भाई वहाँ पर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। ठीक है, इनसाइड द टेम्पल रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लिटरली भाई चार चार दो दो सेकंड के सीन लिए वहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को अंदर से दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा भाई भीड़ थी अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग आ रखे थे क्योंकि भाई ऑफकोर्स महाशिवरात्रि थी एंड वहाँ की एनर्जी भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे थी। मेरे को तो भाई जब मैंने ऐसे शिवलिंग को देखा ना, ऐसे गूज़बम्प से आने लग गए भाई, पूरा नीचे से लेकर ऐसे गूज़बम्प से आ गए, मतलब ऊपर तक इतने ज़्यादा एनर्जेटिक फील हुई, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आई। एंड ऐसा नहीं हो जाता कि जैसे हम बोलो कैसे समझाऊँ मैं, बस लिटरली वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी। प्लस हम लोगों ने वहाँ पर सोचा था कि वो डिनर वाला एरिया आप लोगों को दिखाया था ना मैंने, तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वहाँ पर डिनर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर बस साउथ इंडियन हम लोग खाना खाएंगे, बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वो भी दिखाया था ना कि लाइन कितनी बड़ी थी, तो हम लोग अंदर जा ही नहीं पाए लिटरली। और हमने सोचा भाई सुबह के उठे हुए हैं 5:30 बजे के, मेरे को तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी। प्लस वहाँ से हम लोगों का घर था अबाउट 43-45 किलोमीटर्स, तो फिर हाँ मतलब 45 मिनट ही लगे, बट इट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्राइव एंड ऑलरेडी वी वर टायर्ड। बट वही मैं पहली बार गया था। ठीक है, ये था टेम्पल का नाम, आप लोग साइड में देख सकते हो, और कैरम जोन में था, सिटी से करीबन 35 किलोमीटर्स नहीं, सिटी से करीबन आप लोग 1 घंटा लगा के चलो। और कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था ना गाड़ी में दिक्कत आ रही थी कि वो उसकी ख़राब थी ब्रेक्स प्लस बैटरीज, तो हुंडई ने $2000 का ऑलमोस्ट खर्चा दिखाया था, पता क्या हुआ, खर्चा हो गया
कितना अभी दिखाता हूँ। और भाई चटक, ठीक है भाई आप लोग यहाँ पर गाड़ी खड़ी देख सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो कि डिस्क चमका मार रहे हैं, अंधेरा हो रहा है अभी नहीं मार रहे बट दिख रहा है नए डिस्क लग रहे हैं बिल्कुल चमके से, ठीक है तो मच्छर आ रहे हैं। तो सीन क्या बना कि सारे सारे डिस्क नए लगे हैं। ठीक है ओल्ड डिस्क आर ब्रांड न्यू, हुंडई ने मेरे को बोला था आगे की दो डिस्क खराब है तो उसके उन्होंने मेरे को कोट करा था $1,436, ठीक है सर दो टायर के दो ब्रेक पैड और दो डिस्क के, ठीक है मैंने बाहर से कराया भाई, ठीक है और जो मैकेनिक की शॉप थी ना 30-40 साल पुरानी थी, बढ़िया मैकेनिक था, गूगल पे बहुत मस्त रेटिंग थी, वहाँ पर मैं गया और सारे डिस्क मैंने चेंज कराए, ठीक है गाड़ी के, उससे एक दिन पहले सुबह सुबह गाड़ी बंद हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है फिर मैंने उसको बुलाया आर एस सी वाले को, भाई ने आके बैटरी रिप्लेस करी, ठीक है भाई अपना हरियाणा का ही था, भाई ने आके बैटरी रिप्लेस करी गाड़ी की एंड तब खर्चा आया भाई $319। और ये चारों टायर कितने के लगे सोचो, हुंडई ने 1436 बोले थे ना आगे के दो के, सारे टायर लगे $1,000 के, पूरे $1,000 के, ठीक है सिर्फ हज़ार में चारों लग गए। ये देखो हुंडई वाले 3,000 मांग रहे थे, ठीक है और जिसके अंदर पार्ट्स लगे हैं वो बोलता हम लोगों के जो पार्ट्स हैं वो भी जेन्युइन है बट उसके ऊपर हुंडई का स्टैम्प नहीं लगा, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं जो पार्ट्स बनते हैं ये भाई आप सोचो कि 3-4 ही कंपनीज हैं, ठीक है और ये लोग सिर्फ थप्पा मार के कोलैब करके हुंडई के साथ वो उनको पार्ट्स देते हैं तो वो हुंडई के जेन्युइन पार्ट्स हो जाते हैं, बट जो सारे पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ तगड़ी लगी है, ठीक है गाड़ी के अंदर तो बैटरी नहीं होगी और चारों व्हील्स के एलॉयज के अंदर डिस्क और ब्रेक पैड सब नया लग गया। तो पहले जब मैं गाड़ी चला रहा था गाड़ी में से आवाज़ आ रही थी, अब नहीं आएगी, जैसे मैं ब्रेक मार रहा था ना गाड़ी की चीखें निकल रही थी मतलब मैं निकाल के नहीं दिखा सकता, ठीक है बड़े से स्क्रीची साउंड थी, बड़ी अजीब सी, बड़ा अच्छा ही लग रहा था तो मैंने कहा चेंज तो कराना ही है, तो एकदम से भाई ऐसे खर्चा पे खर्चा, ऊपर से उस पढ़ाई असाइनमेंट अगर ख़त्म हुए थे सब कुछ तो बड़ा स्ट्रेस सा हो गया था भाई मेरे को, मैंने कहा इसलिए थोड़ा आराम से मैं ब्लॉग डालूंगा, सारा कुछ आप लोगों को अपडेटेड रखेंगे। आई एम सॉरी मैं मंदिर में ज़्यादा नहीं शूट कर पाया क्योंकि अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, स्पेस मंदिर का बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा था, फिर से हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को फिर से मैं प्रॉपर दिखाऊंगा, बट महाशिवरात्रि वाले दिन बहुत सारे लोग थे तो एक तो वहाँ पर मेरे को डर भी लग रहा था शूट करने में, प्लस मैं पहली बार गया था उधर और भीड़ में मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ ब्लॉग वगैरह बनाने में। तो हाँ अगर आप लोग वीडियो इतनी चलेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए फॉलो करना।